अपने अंदर गेन करते हैं। तो बच्चों के लिए जो निरंतर अभ्यास है, जब बॉल पहले फ्लोर तक आई स्टीमर भिजवाया, जब बॉल छत तक आई हेलीकॉप्टर भिजवाया। तेरे बाप ने कभी हेलीकॉप्टर देखा था? हेलीकॉप्टर भिजवाया, अबे रस्सी फेंका पकड़ ले, सीढ़ी फेंका चढ़ जा। तू पकड़ना ही नहीं चाहता, तू चढ़ना ही नहीं चाहता, मैं क्या, मेरे जैसे हजारों भगवान भी आ जाए ना, तुझे नहीं बचा सकते। हम यहाँ खड़े होकर ज्ञान दे सकते। शिक्षा और मेहनत से ही होंगे बदलाव रूपी चमत्कार। बच्चों में बेहद शिक्षा और समाज को नई दिशा देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय लोधी कर्मचारी अधिकारी संघ द्वारा बालाघाट जिले के वारासिनी में तीसरा प्रतिभा सम्मान समारोह बड़े ही गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें जिले भर के 10वीं और 12वीं में 80% अंक अर्जित करने वाले छात्रों का मेडल, प्रशस्ति पत्र और अन्य सामग्री देकर सम्मानित किया गया। यहाँ आए IRS लोकेश लिल्लहरे सहित आलोक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास वर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता चंद्र सिंह पटेल, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष आलोक दिलीप नारायण लोधी ने छात्रों को आधुनिक शिक्षा और संस्कृति को साथ में रखकर सफल होने के गुर सिखाए। वहीं यह कार्यक्रम में होनहार छात्रों के साथ साथ सेवानिवृत्त और नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी और कई क्षेत्रों में कार्य कर रहे लोगों का भी सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम में मुख्य रूप से GST एडिशनल कमिश्नर लोकेश लिल्लारे ने कहा कि मंडई मेलों में छत्तीसगढ़ी का सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर असली नाच कराकर धन की बर्बादी न करे, समाज का माहौल बिगड़ते जा रहा है। ऐसे भद्दे कार्यक्रमों में परहेज कर शुद्ध संस्कृति कार्यक्रम, बच्चों के प्रोग्राम या शिक्षा प्रद कार्यक्रम के आयोजन करें, ताकि बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। साथ ही श्री लिल्लारे कड़ी मेहनत और शिक्षा से बदलाव रूपी चमत्कार होने की बात करते हुए कहा कि आलोक संघ और छूलो आसमान किसने रोका है टीम द्वारा देश के कई राज्यों में कार्य कर रहा है, बच्चों को आगे बढ़ने में कोई कमी नहीं की जाएगी। और दूसरा लोधी हो, इसका कोई कारण नहीं है, ना कोई कष्ट से बड़ा होता है, ना कोई कष्ट से बड़ा होता है, ना कोई कष्ट से बड़ा होता है। जो अपनों के सुख दुख में अपनों के साथ खड़ा होता है ना दोस्तों, वही सबसे बड़ा होता है। एक बच्ची मुझे सिवनी वाली बोल रही थी अभी कि साहब आपने मेरी बात सुनी नहीं, मेरे वालों के पदाधिकारी रोक रहे थे, बोलने दोस्तों, उसका अधिकार है मुझे बोलने, और उसकी बात मैंने सुनी, उसको समझाई गई, वो समझ में आ गया। हमें बच्चों की बात सुननी पड़ेगी। हमने देखा कि बच्चे आगे नहीं जा पा रहे, क्या करना, जड़ों को मजबूत करना है। हमने कहा चौथी पांचवी कक्षा से बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा, तो क्या करना, अच्छा स्कूल भेजना पड़ेगा। अब अच्छे स्कूल भेजना है तो पैसे लगते हैं 8-10 लाख रुपए साल का, कैसा करेगा मेरा बच्चा, मेरे गाँव का इंसान, मेरा समाज, मेरा बालाघाट तो गरीब है, इतना किसान कैसे आगे जाएगा। लेकिन कुछ स्कूल है देश में जो बच्चों को निःशुल्क एडमिशन कराते हैं, तो हमने ध्यान रखा कि जिस बच्चे में इच्छा है, जिस बच्चे के सपने हैं, जिस बच्चे की ताकत है, योग्यता है, हम उसे कमजोर नहीं होने देंगे, उसके लिए वो काम करेंगे जिसको जीवन बदलेगा। तो नवोदय जागृति अभियान उसी का प्रतिफल है। चौथी पांचवी में गांव गांव जाकर कक्षाएं खोल रहे हैं। 4 साल पहले हमने अभियान चालू किया, इस बार 2 अक्टूबर को 11 राज्यों में 280 कक्षाएं एक साथ खुली है। और मुझे बोलने की बात नहीं, ये कक्षाओं का संचालन आप ही लोग कर रहे हैं। आज महिलाओं ने कक्षाओं का संचालन चालू किया, ये पेपर, ये बुक्स बनाई, ये बुक्स मार्केट में 400 रुपए की बिकती है। हमने प्रिंटिंग कॉस्ट निकाला 100 रुपए, हमने कहा क्यों मार्केट में बना, हम लोग बैठते ना, इतने आलोक के अधिकारी कर्मचारी हैं, इतने सारे शिक्षक हैं, बैठिए। बुक बनाया 100 रुपए में बन गई, हमारे बच्चों के पास 100-100 रुपए में बुक जा रही है, बच्चे से 1 रुपए नहीं लिया जा रहा है। हमारे समाज के पदाधिकारी सीधे प्रिंटर को पेमेंट करते हैं और बोलते हैं कि 25 बुक हमको भेज दो, 50 बुक हमको भेज दो। लाखों की संख्या में बुक गांव में जारी निःशुल्क हमारे बच्चों के पास और अन्य समाज के पास। ये पेपर हमने कहा जब तक आकलन नहीं करेंगे बच्चों का, केवल बुक और क्लास से नहीं होगा, केवल ऐप डेवलप करने से नहीं होगा, हमें उनका आकलन भी करना पड़ेगा। जो सरकार पेपर कराने के लास्ट पेपर जो पहले अभियान में हुआ था, 1100 सेंटर में 21,000 पेपर लिए गए। अगर कोई सरकार इतने सेंटरों में इतना पेपर लेती ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं प्रशासन में काम करता हूं, कम से कम 10 करोड़ का खर्चा होता। अरे क्यों सरकार पे हम
दोष दें। अरे क्यों दोष दें उस बारिश की बौछारों पर जब हमने ही तस्वीर उकेरी है मिट्टी की दीवारों पर। अरे हम कमजोर बना रहे हैं अपने समाज को। कब तक हम सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे? कब तक हम स्कूलों के भरोसे बैठे रहेंगे? कब तक हम दूसरे शिक्षकों के भरोसे बैठे रहेंगे? हमारे लोगों में दम है ना यार, वो रिटायर हुए ना लोग, नए कर्मचारी आ रहे ना, नए कर्मचारी आकर यहाँ आपको मोटिवेट करे और पुराना कर्मचारी अपने अनुभव के आधार पर कक्षाओं को चलाए। आलोक आज काम कर रहा है समाज के लिए, बच्चों के लिए जो काम कर रहा है नवोदय जागृति अभियान के माध्यम से कर रहा है, तो निश्चित है आने वाली जो पीढ़ी है, आज हम जिनका सम्मान कर रहे हैं, जिनको आगे बढ़ने के प्रोत्साहन कर रहे हैं, वो कल अपने समाज में जब व्यक्तित्व के रूप में बढ़ेंगे तब भी वो हमारे जैसे ही काम करेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा समाज शिक्षित हो, आगे बढ़े, हमारे जो गाँव के बच्चे वो भी आगे। आप लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, फिर आलोक के साथ काम कर रहे हैं, छूलो आसमान के साथ काम कर रहे हैं, पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कई जिलों से आप परिचित है, किस तरह का बदलाव देख रहे हैं अभी 3-4 साल में ये जो कार्यक्रम चल रहा है? हमने देखा है कि 2018 में जब लोधी अधिकारी कर्मचारी संघ का राष्ट्रीय स्तर पर गठन हुआ, पहले 2-3 राज्यों से हुआ, उसके बाद आज 10 राज्यों में लोधी अधिकारी कर्मचारी का संगठन चल रहा है। हमारे राज्यों में आज हमने देखा कि हमारे पड़ोसी जो महाराष्ट्र है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनंत दमाई जी यहाँ उपस्थित है, महाराष्ट्र में भी पूरी मेहनत के साथ वो काम कर रहे हैं आलोक के माध्यम से। अभी 28-29 जनवरी को वहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन रखा गया है, ताकि महाराष्ट्र में ये कार्यक्रम रखने से हमारे आसपास छत्तीसगढ़, अभी आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में हमने 30 अक्टूबर को हमने छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया। तो हम चाह रहे हैं कि आलोक के जो कर्मचारी है वो हर जगह जाकर, गांव-गांव में जाकर उन बच्चों को शिक्षित करें, जो गांव में कमजोर बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाए, ताकि वो हमारा भविष्य है, हमारा समाज का भविष्य है। और आसपास के जितने भी राज्य हैं हमारे, वो पूरी मेहनत के साथ काम करें, आपस में मिल के काम करें। इसमें एक अच्छी बड़ी बात यह है कि आलोक ने ऐसा काम किया है कि सारे समाज के अधिकारी कर्मचारी, जो छोटे हैं बड़े कर्मचारी हैं, सबको एक मंच पर ला दिया है। वहीं प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम में छात्रों ने जहां सम्मान मिलने से गदगद देखते हुए, वहीं सफल होने के मार्गदर्शन को पाकर सफलता के लिए आंखों में खासी चमक देखने को मिली। यहां आलोक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास वर्मा ने भी देश के कई राज्यों में आलोक संघ और छूलो आसमान किसने रोका है के द्वारा देश के कई राज्यों में चल रही मुहिम और आ रहे चमत्कारी बदलाव के संबंध में मीडिया से बातें बताई। शिक्षित समाज को इकट्ठा करके जो लोगों को हमें ये देना है कि जैसे छोटे बच्चे हैं, एक नींव मजबूत कर रहे हैं हम अपने समाज की और सारे सर्व समाज की नींव को हम मजबूत कर रहे हैं, ताकि जो समाज आगे आने वाला समाज है वो बहुत भविष्य उज्जवल रहे। इस बात को लेके हम अपना आलोक का संगठन में नवोदय जागृति अभियान है और इस तरह के बहुत से PCS और मतलब IAS की परीक्षाओं के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या तैयारियां हैं बच्चों को लेकर, कितने जगह आपका संगठन? जी अभी पिछली साल जो हमारा था वो MP में था, लेकिन हाँ जो MP में था नवोदय जागृति अभियान जो है इस बार हमारे 7 स्टेट्स में चालू किया जा रहा है। और ये जो PCS की परीक्षाएं हैं ये भी हमारे राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएँ छूलो आसमान के साथ में मिलके आलोक उसमें सभी को ये तैयारी करवा रहा है। PCS है और IAS है और भी जो लोअर सबऑर्डिनेट स्तर की जो परीक्षाएं हैं उन सबके लिए हमारा आलोक उसमें सहयोग दे रहा है। आलोक और छूलो आसमान किसने रोका है डिजिटल प्लेटफॉर्म से लेकर धरातल में प्रयास कर रहा है, चाहे वो 9वीं क्लासेस के तौर पे हो या प्रोग्राम के तौर पे हो या प्रतिभा सम्मान समारोह के तौर पर, कई तरह के आयोजन होते हैं। आगे क्या कि समाज का क्या टारगेट रखे कि आने वाले 5 साल में इस तरह से होगा स्वरूप या क्या होगा? क्या देखिए हमारा टारगेट है कि जब तक एक समाज के अंतिम घर में नौकरी, सरकारी नौकरी वाला बंदा होगा, ये हमारा टारगेट है कि अंतिम घर तक जाके हम जो है ना लोगों को इतना शिक्षित कर दें, इतना पढ़े लिखे लोगों को इतना वो दें, मतलब उसे गाइडेंस दें कैरियर गाइडेंस के लिए, तो उसमें एक व्यक्ति हमारा सरकारी अफसर बन जाएगा। तो जिस घर में एक भी सरकारी व्यक्ति हो जाता है तो उस घर का उत्थान पूरा हो जाता है। आखिरी सवाल, क्या शिक्षा सिर्फ और सिर्फ नौकरी के लिए होना चाहिए कि और भी? वहीं आपको बता दें कि कुछ वर्ष पूर्व एडिशनल कमिश्नर लोकेश लिल्लारे के मार्गदर्शन में देश के कई राज्यों में निःशुल्क कार्यक्रम और
कोचिंग जैसे व्यवस्था देखकर शिक्षा से समाज और सर्व समाज में व्यापक राजनीतिक सहित अन्य क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम लाने के उद्देश्य से शुरू की गई मुहिम बदलाव की इबादत लिखने में कामगार साबित हो रही है। यहाँ सोच साप है कि संस्कृति से लेकर आधुनिक शिक्षा के माध्यम से देश में बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। वाराशिवनी खैरलांजी से देवी लीलारे।